तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे से नो मोर टू नेस्ले पार्ट टू में नेस्ले के कुछ मज़ीद प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेस्ले लैक्टोजन के हवाले से। नेस्ले लैक्टोजन को आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, अक्सर माएँ नीडो की तरह नेस्ले लैक्टोजन भी अपने बच्चों को पिलाती हैं। नेस्ले लैक्टोजन के हवाले से आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और हाल ही में लैक्टोजन दूध से एक माह की वजीहत जान से गई। नेस्ले अब भी अपनी हठधर्मी पर कायम है। किसी हुकूमती इदारे ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या हुकूमत पाकिस्तान गहरी नींद में सोई हुई है? क्या इमरान खान साहब की रियासत मदीना का ख्वाब यही था, जहां एक बैन अल-अक़वामी कंपनी अपने कारोबार और फायदे के लिए अवामी जानों से खिलवाड़ करती रहे? हुकूमत पाकिस्तान को सोचना होगा, अगर अब नहीं तो आखिर कब? तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से नेस्ले लैक्टोजन के इस्तेमाल से एक माह की वजीहा इंतकाल कर गई और नेस्ले अब भी अपनी हठधर्मी में कायम है। एक साल गुजरने के बावजूद अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। बच्चे की फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि बच्ची का इंतकाल नेस्ले के अंदर मौजूद पेस्टिसाइड की वजह से हुआ। मशहूर टीवी एंकर समी इब्राहिम ने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जिसका हम रोना रोते हैं कि यहाँ पे ऑनेस्ट हुक्मरान होने चाहिए, दयानतदार हुक्मरान होने चाहिए, ताकि वो इस सारे सिस्टम को लेके आए। ये ना अमेरिका के आगे बोलते हैं, ना अमेरिकी कंपनियों के आगे बोलते हैं, ना बरतानिया की कंपनियों के आगे बोलते हैं। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स जहर बेच रही हैं, मौत बेच रही हैं, कोई उनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े वकील, जैसे अभी उस्मान भट्टी साहब बता रहे हैं, बड़े बड़े वकील उनके साथ हैं, बड़ा मीडिया। और दूसरी बात बड़ी दुख की, जैसे इन्होंने अभी कही कि इन पर यह इल्जाम लगा दिया गया कि जनाब आप ये पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं। अभी हम तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से समी इब्राहिम ने काफ़ी सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने मुल्क में इन जहर फैलाने वाली कंपनियों को रोकते क्यों नहीं हैं, क्यों इनको हम जहर फैलाने दे रहे हैं। नेस्ले अपनी प्रोडक्ट्स को माँ के दूध के मुतबादिल के तौर पर भी बेच रहा है। अपने इश्तहार में इसको माँ के दूध के मुतबादिल के तौर पर शो करा रहा है। जब इस माँ के दूध के मुतबादिल के तौर पे जब इंट्रोड्यूस किया गया तो चाइना के 10 लाख बच्चे हॉस्पिटल में चले गए। इस हवाले से समी इब्राहिम ने क्या कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। कहते हैं कि नेस्ले का आपने प्रोडक्ट ले ली तो आप समझें कि ये दुनिया आपके लिए जन्नत बन गई। यहाँ तक कह दिया, जिस पर बड़ी दुनिया में ले दे हुई, कि माँ के दूध से जो नेस्ले का दूध है ये बेहतर है। यानी ये यहाँ तक कह दिया। ये और वो दूध है जिसे 10 लाख चाइनीज बच्चे पिए, जिन्होंने पिया और वो सारे अस्पताल गए। चाइना में जब ये प्रोडक्ट मार्केट हुई तो 10 लाख बच्चे उनके हॉस्पिटल में चले गए। तो सुना आप लोगों ने कि समी इब्राहिम ने इस हवाले से क्या बात की। इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने 1997 में नेस्ले की बेबी प्रोडक्ट्स का बैकआउट कर दिया, क्योंकि नेस्ले इसको माँ के दूध से बेहतर के तौर पर पेश कर रहा था। नेस्ले ने 40 ममालिक में 70 से ज़्यादा अपनी बेबी मिल्क प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले 1990s में साउथ अफ्रीका के अंदर इसने अपना बेबी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। नेस्ले अपनी प्रोडक्ट्स जो कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और हांगकॉन्ग में बेचता है, उनमें स्क्रोल्स और मनीला का इस्तेमाल करता है। अब हम बात करेंगे किस तरह नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स में जहर का इस्तेमाल कर रहा है। जहर यानी स्ट्रोल्स, जो कि आर्टिफिशियल शुगर है, जो कि एक जहर से कम नहीं है। नेस्ले माइलो के हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं। दिस क्रैप टू मिल्क माइलो। सो नेस्ले'स प्रेस रिलीज सेज दे ट्राई टू पुट 6 ग्राम्स ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ माइलो। नॉट ट्रू। एट द बैक ऑफ अ माइलो टिन इन मलेशिया इट एक्चुअली सेज एड 3 टीस्पून्स ऑफ माइलो। 3 teaspoons of Milo is roughly 9 grams of sugar. Now you want to know what 9 grams of sugar looks like? 9 grams of sugar is roughly this. This are Nestle bonbons. This is a candy that Nestle markets. Each one has 3 grams of sugar. Candy itself is fine. My kids will eat this maybe once every 2 weeks or so. But Nestle's advertising is basically telling moms in Malaysia to add Milo to kids' milk, which is the equivalent of putting 1, 2, 3 bonbons in a glass of milk before sending that kid off to school. Now, what do you think that does to this kid's body, to this kid's cognitive functioning? This much sugar comes really close to the daily recommended sugar allowance for an adult, which is 25 grams. A glass of Milo,
20 grams of sugar. But that's only the start of the bull. Everybody in Malaysia knows that most Malaysians don't just drink Milo with milk. They often take Milo powder and add this to it. This is sweetened condensed milk. In Malaysia, because of Nestle's marketing that says Milo is healthy, people feel it's justified to add sweetened condensed milk on top of their Milo, creating what is in fact a sugar bomb with up to 40 grams of sugar into a child in the morning. तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से नेस्ले माइलो बच्चों की सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है। नेस्ले माइलो के इस्तेमाल से आप अपने बच्चों को शुगर का पेशेंट बना सकते हैं। ना सिर्फ नेस्ले माइलो बल्कि नेस्क्विक और स्ट्रॉबेरी मिनीज के अंदर भी इसी तरीके से शुगर का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ज़्यादा और जिससे डायबिटीज़ बच्चों के अंदर होने का ख़तरा पैदा हो चुका है। एक तरफ नेस्ले डायबिटीज़ के मरीजों के लिए डायबिटिक चीज़ें बना रहा है और दूसरी तरफ ख़ुद अपनी प्रोडक्ट्स में इतना शुगर का इस्तेमाल कर रहा है जिससे डायबिटीज़ हो जाए। खुदारा अगर आप अपने बच्चों और अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं तो प्लीज़ नेस्ले की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।